चैन से नहीं सो पाता है भाई भी। दो व्यक्ति कभी चैन के नहीं नहीं सोता। एक जो भयभीत रहता है, जो डरा हुआ रहता है, जो सहमा हुआ रहता है, और दूसरा जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है। दो लोग कभी चैन से नहीं सोते। एक तो जो डरा हुआ रहेगा, जो भयभीत रहेगा, जो चिंतातुर रहेगा, और दूसरा जिनके ऊपर कोई काम की जिम्मेदारी रहती है। घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, राष्ट्र की जिम्मेदारी, विश्व की जिम्मेदारी और धर्म रक्षा की जिम्मेदारी जिनके ऊपर रहती है, वे कभी चैन से नहीं सोते प्यारे। वो जागते ही रहते हैं, वो जागते ही रहते हैं। आज कंस का जागना कोई जिम्मेदारी वाला नहीं था, भय वाला था। डर के मारे जाग रहा है कंस। अब जैसे ही रात्रि के 2 बजे कंस ने आंख खोला, क्या देखते हैं? बिस्तर कोई काला 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 झूल रहा है। कंस ये नहीं समझ पाया कि पर्दे की परछाई हिल रही है, तो ये परछाई मेरे बिस्तर में पड़ रही है। कंस ने जैसे 2 बजे रात को ये हिलते हुए देखा, झूलते हुए देखा, रात्रि के समय आवाज लगाई, सैनिकों जल्दी आओ। रात्रि के 2 बजे सोते हुए सैनिक भी चौंक कर उठे। ये महाराज न खुद सोएंगे, न हमको सोने देंगे, न जीऊंगा न जीने दूंगा वाली स्थिति है। सारे सैनिक गए, पूरे पर्दे काट डाले, पर कहीं कोई काला काला दिखा ही नहीं। अब तो सवेरे होते ही कंस ने मीटिंग बुलाई, बैठक बुलाई। कंस ने सारे